हेलो एवरीबॉडी आई एम इशिका अग्रवाल एंड आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर इज इज लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट दिस वेरी इजी चैप्टर इसमें आपको कुछ ना कुछ सीक्वेंस में नंबर्स uh, को जमाना रहता है ठीक है बहुत आराम से ये टॉपिक समझ में आ जाने वाला है बट टॉपिक टेन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट टॉपिक के दिए थे आप लोगों को लास्ट टॉपिक कौन सा था मैम मैम मैंने एनोलॉजी कल के क्लास में हमने खत्म किया था और एनोलॉजी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दिए थे ठीक है बहुत सारे लोगों का मुझे तुरंत से होमवर्क आ गया था क्लास खत्म नहीं हुई थी उससे पहले ही होमवर्क आ गया था वेरी गुड बहुत अच्छे लेकिन क्लास में ध्यान देते हो कि नहीं कि मैं पढ़ाते रहती हूँ और आप लोग होमवर्क uh, करने बैठ जाते हो चलो चलिए ये था हमारा होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट वी विल डिस्कस आवर होमवर्क क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन लेक्चर व्हिच इज टॉपिक नंबर टेन लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट ठीक है चलो लेट स्टार्ट आवर होमवर्क क्वेश्चन द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन वॉज मैम क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन मार्क लिविंग बिंग कोलन एंड देन क्वेश्चन मार्क नॉन लिविंग बिंग विच मीन्स मैम अगर आप यहाँ रिलेशन देखोगे तो दो डैश है दो डैश में आपको बताना है फर्स्ट डैश में क्या आएगा और सेकेंड डैश में क्या आएगा तो मैडम और सर लोग यहाँ पर फर्स्ट डैश में कोई ऐसा नाम आएगा जो लिविंग बिंग होगा और सेकंड में कोई ऐसा नाम आएगा जो नॉन लिविंग बिंग होगा इतना तो समझ में आ रहा है कि हमें दो आंसर बताने यहाँ एक आंसर नहीं दो आंसर बताने हैं फर्स्ट आंसर ऐसा होगा जो लिविंग बिंग होगा और सेकेंड आंसर ऐसा होगा जो नॉन लिविंग बिंग होगा तो अब ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा ऐसा कौन सा लिविंग बिंग एंड नॉन लिविंग बिंग है तो फर्स्ट वर्ड जो होगा वो लिविंग बिंग होना चाहिए और सेकंड वर्ड जो होगा वो नॉन लिविंग बिंग होना चाहिए सो मैम प्लांट एंड एनिमल प्लांट लिविंग बिंग है क्या

कोलन रिवर डबल कोलन स्टेगनेंट क्वेश्चन मार्क सो मैम यू हैव टू फाइंड आउट इन दोनों में ऐसी क्या सिमिलरिटी है एंड दैट सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई इन दिस तो मैम अगर आप इन दोनों के बीच में रिलेशन देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि रिवर का पानी बहता है बोलते हैं ना बहती न, नहीं वो तो बहती हवा सा था वो गाना <laughs> गाना गाना जो बहती हवा सा था वो बहती नदी करके कोई गाना है क्या मेरे को ऐसे ध्यान आ रहा था, था। हवा सा नहीं नदी वाला एक गाना था मेरे को याद नहीं आ रहा चलो छोड़ो नदी क्या करती है नदी बहती है एक जगह पे स्थिर रहती है क्या नहीं नदी तो बहती रहती है सिमिलरली अब सेकेंड वाले पॉइंट में बोल रहा है स्टेगनेंट स्टेगनेंट मतलब स्थिर स्थिर मतलब एक ही जगह पे रहता है वो ऐसे बहता नहीं है एक ही जगह पे रहता है तो अब रिवर का पानी जो है वो स्थिर नहीं रहता है क्या एक ही जगह रहता है रिवर का पानी नहीं वो तो बहता रहता है सो so, मैम आपको नेक्स्ट बताना है ऐसा कौन सा पानी है जो स्थिर रहता है स्थिर मतलब एक ही जगह पे रहता है बहता नहीं है तो पहला है रेन रेन का पानी एक ही जगह पे रहता है भैया कैसी बात कर रहे हो रेन तो आसमान से नीचे धरती पर आता है तो वो तो गिरता है नेक्स्ट स्ट्रीम स्ट्रीम मतलब जो छोटे छोटे झरना टाइप की होती है ना उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं या जो छोटा छोटा कहीं ना कहीं पानी का वो होता है ना जो बहता रहता है छोटी मोटी जो नदी होती है एकदम बड़ी नहीं छोटी मोटी जो पर्टिकुलर किसी प्लेस में होती है उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं तो स्ट्रीम का पानी एक ही जगह रहता है कि नहीं वो भी बेहतर रहता है नेक्स्ट इज पूल पूल मीन्स स्विमिंग पूल हो गया पूल पूल का पानी एक ही जगह रहता है मैडम क्या स्विमिंग का, yes. का पानी स्विमिंग पूल का पानी बेहतर रहता है क्या आंसर इज नोकीरत प्लीज माइक उसमें दे बॉक्स में आंसर दे ठीक है तो पूल का पानी थिर रहता है पूल का पानी बहता नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी चलो मन की तस्ली के लिए डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं डी वाला ऑप्शन कह रहे हैं धरती के नीचे से होके जाता है ना समुद्र के भी नीचे से जो केनाल बनाते हैं पानी आ, पास आउट करने के लिए तो उसका पानी भी बहता रहता है अगेन तो इस, ये डी भी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैम ऑप्शन नंबर सी विच इज पूल एवरीबडी डन चलिए मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा एंड क्वेश्चन नंबर इज मैम रीजन कोलन कोलन एस एफ बी टी पी ओ डबल थिंक कोलन क्वेश्चन मार्क यू हैव टू फाइंड आउट मैम क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा बताओ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा जस्ट सेकेंड सब बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी मैम ऑप्शन नंबर बी चलिए चलिए सब करेक्ट आंसर दे रहे हैं एवरीबॉडी इज गिविंग करेक्ट आंसर यहाँ पर पैटर्न क्या हो रहा है मैम अगर आप ध्यान से देखोगे रीजन और एस एफ बी टीपीओ के बीच में के बीच में रिलेशन क्या है तो आप यहाँ लिखो रीजन अब यहाँ लिखो एस एफ बी टीपीओ तो आप ध्यान से देखोगे तो मैम हम प्लस 1 कर रहे हैं r 1 s e 1 f

पेंसिल बैटरी इज लो चलिए ठीक है फिर भी चल जाएगा शायद ये आधी घंटा तो थिंक आपको सेम पैटर्न थिंक में अप्लाई करना है कैसे थिंक में भी कर दो प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन और प्लस वन तो क्या आएगा मैम टी प्लस वन इज इक्वल टू यू एच प्लस वन इज इक्व टू आई आई प्लस वन इज इक्व टू जे एन प्लस वन इज इक्वल्स टू ओ के प्लस वन इज इक्वल टू एल करेक्ट आंसर इज मैम यू आई जे ओ एल यू आई जे ओ एल विच इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर आई होप एवरीबडी इज गेटिंग सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर जितने लोग हैं फिफ्टी थ्री लोग थ्री लोग, लोग चैटबॉक्स में बताएंगे कि क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं ओके मॉन्स्टर आशीष वैष्णवी नान जी मनोग का बहुत टाइम के बाद मैसेज आया है पार्थ का भी बहुत टाइम के बाद मैसेज आया है चलिए एवरीबॉडी सिंग क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड सचिन इज सिंह क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर चलिए मूविंग नंबर एट क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन नंबर एट इज सिंग मैम नेशन एंटीनो एंटीनो डबल कोलन हंगरी कोलन क्वेश्चन मार्क तो मैम यहाँ क्या होगा अगर आप ध्यान से देखें ने शन और एन नो में क्या अंतर है देखते ही पता चल जाएगा मैम देखते ही पैटर्न पता चल जाएगा ये दोनों को हम शफल कर रहे हैं फर्स्ट सॉरी फर्स्ट टू अल्फाबेट्स को हम रिवर्स कर रहे हैं देन दो एज इट इज लिख रहे हैं देन सेकेंड दो को हम रिवर्स कर दे रहे हैं लास्ट फर्स्ट के दो और लास्ट के दो अल्फाबेट्स को हमने रिवर्स कर दिया सो so, हम एन ए को रिवर्स कर देंगे तो ए एन हो जाएगा टी आई को ऐसा का ऐसा सेम लिख देंगे ओ एन को रिवर्स कर देंगे तो एनओ no हो जाएगा सेम पैटर्न आपको पैटर्न मिल गया सेम पैटर्न यू हैव टू अप्लाई इन हंगरी अब आप हंगरी में ये पैटर्न अप्लाई करोगे तो कैसे हो जाएगा मैम यहां मैं हंगरी लिख रही हूं हंगरी हंगरी में ये दोनों क्रॉस हो जाएगा ये दोनों एज इट इज आ जाएगा और ये दोनों क्रॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा मैम यू एच एन जी वाई आर यू एच एन जी वाई आर देखो कौन सा ऑप्शन है यू एच एन जी वाई आर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी नॉलेज तो लग गया जी हाँ यहाँ अल्फाबेट अल्फाबेट सीरीज वाला नॉलेज uh, लगा वहां पर हमने पढ़ा था ना अल्फाबेट्स के साथ कैसे खेलते हैं ये अल्फाबेट्स के साथ खेलना हमने वहां सीखा था अल्फाबेट टेस्ट वाले चैप्टर में सीखा था तो अगर वो वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ये वाला भी आ जाएगा ठीक है Nancy बोल रही है लड्डू क्वेश्चन <laughs> सभी को इस चैप्टर के क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन लग रहे हैं आओ क्लॉक्स कैलेंडर में बताते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आर्किटेक्ट कोलन बिल्डिंग डबल कोलन कोलन क्वेश्चन मार्क मतलब आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालो सेम रिलेशन यू हैव टू अप्लाई इन द सेकंड टू वर्ड्स ओके एवरीबॉडी इज आंसरिंग सी स्टेच्यू ये वाला क्वेश्चन किसी किसी को समझ में नहीं आया था होमवर्क में किसी ने किसी 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 ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया था बट चिंता मत करना क्योंकि अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा मैम यहां क्या हो रहा है अगर आप ध्यान दोगे आर्किटेक्ट क्या बनाता है निधि वाइसोलेट इतना लेट क्यों आए आप कल से टाइम पे आइएगा आर्किटेक्ट क्या करता है आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है ठीक है वैसे ही स्कल्प्टर क्या करता है नाम से ही समझ में आ रहा है मैम स्कल्प्टर जो होता है ना वो स्टैचू बनाता है अलग अलग स्टैच्यू देखियो ना जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा लिबर्टी एक और लेट लतीफ जी आई है तनु जी टाइम से आइएगा प्लीज अमेरिका में है यस yes, आशीष वेरी गुड न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में है ओके okay. न्यूयॉर्क में है यस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे हमारे इंडिया में बनी है हमारी क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये सारे क्या होते हैं ये सारे जो स्टैच्यू होते हैं ना ये सारे जो बनाते हैं जो लोग इनको बनाते हैं उनको हम बोलते हैं स्कल्प्टर ठीक है so, सो स्कल्प्टर लोग क्या करते हैं स्टैच्यू बनाते हैं तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा स्टैच्यू विच इज ऑप्शन नंबर सी आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग बनाते हैं उनको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं सिमिलरली यहाँ ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसको स्कल्प्टर बनाते हैं तो so, स्कल्प्टर लोग स्टैच्यू बनाते हैं ओके एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर वेदिका को क्रिस्टल क्लियर हो गया प्रियांशी को भी हो गया आकांक्षा

चलिए आज की क्लास में हम हमारा ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट ये भी अगेन एक और लड्डू चैप्टर है मजा आएगा इसको सॉल्व करने में आप लोग ऐसे चुटकियों में बता देंगे मैम ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है ठीक है आशीष बोल रहे हैं मैम दिल से अच्छा लगा ये वाला चैप्टर करके <laughs> ठीक है चलिए एक और लड्डू चैप्टर आप लोगों के लिए लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट मैम इसमें क्या होगा लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट में आपको कुछ चार पांच वर्ड्स दे दिए जाएंगे और उन वर्ड्स को आपको अपना दिमाग लगा करके किसी ना किसी बेसिस पे एक सीक्वेंस में अरेंज करना है जैसे आप लोग ने केबीसी देखा होगा सबने कौन बनेगा करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट में जाने से पहले होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में यही होता है कि मैडम पांच वर्ड्स दे दिए जाते हैं और पांच वर्ड्स को वो लोगों को किसी सीक्वेंस में डिसाइड करना रहता है वो अमिताभ बच्चन बोलता है ना कि मैम इसको इस क्रम में सजाओ क्रम में मतलब सीक्वेंस में बस वही है बस वही है कौन बनेगा लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट करते करते सॉल्व करते करते आपको लगेगा कि मैम हम ना कौन बनेगा करोड़पति करोड़पति का, करोड़ करोड़ का फास्टेस्ट स्विंगर फर्स्ट खेल रहे हैं ठीक है तो इसमें आपको कोई ना कोई पैटर्न लगा करके कोई ना कोई रीजन दे करके आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है पहले से आखिरी तक एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल से आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा जैसे एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर वन में पांच वर्ड्स दिए गए हैं मैम फर्स्ट वन इज डेथ देन मैरिज देन एजुकेशन देन बर्थ एंड देन फ्यूनरल ये पांच वर्ड्स दिए हुए हैं इन पांचों वर्ड्स को आपको एक सीक्वेंस में लगाना है एक सीक्वेंस में लगाना है क्या सीक्वेंस मैम स्टार्टिंग से लास्ट सोचो so, अब ये तो इंसान की लाइफ से रिलेटेड है तो इंसान की लाइफ में सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले इंसान जन्म लेता है कर रहा है सही है क्या आज एक्चुअली शायद इंटरनेट इशू हो रहा है पहले का दो चार कर लिए दो चार बार एक सेकेंड में नेटवर्क चेंज करके देखती हूँ जस्ट अ सेकेंड अभी ठीक है क्या yes, अभी ठीक है no. ना no. हाँ हाँ yes, हाँ ठीक है दोबारे से लेक करेगा तो बताना मुझे ठीक है चलिए 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 अब अब बताइए इंसान की लाइफ में सबसे पहले इन पांचों में से क्या होता है आपको इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है प्लीज चैट बॉक्स में बताइए आपको इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है तो इंसान की लाइफ में जो सबसे पहले होता है वो सबसे पहले आएगा तो अगर आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करो तो सबसे पहले मैम बर्थ होता है तो सबसे पहले बर्थ होता है ये सबसे पहले आ जाएगा बर्थ के बाद इन पांचों में से क्या होता है हम एजुकेशन लेते हैं तो उसके बाद एजुकेशन होगा वेरी गुड एजुकेशन बता रहे तन्नू और विपिन तो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा एजुकेशन एजुकेशन के बाद इनमें से क्या होता है मैम डेथ मैरिज फ्यूनरल में थर्ड हमारा होता है एजुकेशन के बाद नॉर्मली इंसान की लाइफ में मैरिज होता है थर्ड उसके बाद लास्ट में इंसान है एक ना एक दिन सबको मरना है तो लास्ट में डेथ और डेथ के बाद होता है फ्यूनरल सो so ये आपका सीक्वेंस हो गया तो सबसे पहले आ जाएगा मैम फोर्थ नंबर तो अरे इसका आंसर दे दिया क्या मैंने <laughs> चलिए इसका आंसर होगा डी ये वाला सबसे पहले आ जाएगा फोर्थ नंबर फिर आ जाएगा थर्ड नंबर फिर सेकंड नंबर फिर फर्स्ट नंबर एंड देन लास्ट में फिफ्थ नंबर तो ये सीक्वेंस में हमने अरेंज कर दिया द करेक्ट आंसर इज मैम डी एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर मनप्रीत इज सेइंग क्रिस्टल क्लियर सो इसमें क्या करना रहता है लॉजिकल सीक्वेंस में आपको कुछ चार पांच वर्ड्स दे दिए जाएंगे उन वर्ड्स को आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना रहता है वेरी गुड चलिए मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रास कर्ड मिल्क काउ बटर आपको एक क्रम में अरेंज करना है इन सबको अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द लॉजिकल सीक्वेंस लॉजिक लगा करके लॉजिक के बेसिस पे इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है मैम यहां क्या हो रहा है जल्दी बताओ मैम यहां सबसे पहले गाय आएगी क्योंकि गाय क्या करती है गाय चारा खाती है चारा मींस ग्रास तो सबसे पहले हो जाएगा 4 व्हिच इज काऊ उसके बाद हो जाएगा 1 व्हिच इज ग्रास अब क्या करती है गाय हमें मिल्क देती है गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है <laughs> ठीक है गाय हमें क्या देती है मिल्क देती है तो उसके बाद हो जाएगा थर्ड नंबर व्हिच इज मिल्क उस मिल्क से मैम दही बनती है विच इज कर्ड तो ऑप्शन नंबर टू और उस दही से बटर बनता है मक्खन 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 ऐसे दही को बिलोते हैं तो ऐसे बिलोते हैं उसके बाद मक्खन निकलता है ना उसमें से तो दही के बाद बनता है लास्ट में बटर सो योर फिफ्थ पॉइंट इज बटर सो इसका लॉजिकल सीक्वेंस हो जाएगा मैम फोर वन थ्री टू फाइव देख लो फोर वन थ्री टू फाइव कौन सा है ये वाला है फोर वन थ्री टू फाइव ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर विद दिस वी आर डन विद आवर एग्जाम्पल नंबर टू सब बोल रहे हैं मैम लड्डू है लड्डू ठीक है चलिए पायल बोल रही है नंबर वन पे ग्रास आएगा नहीं पायल ग्रास आ सकता है वैसे लेकिन काऊ ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से क्योंकि पहले काऊ रहेगी तभी तो वो ग्रास खाएगी ना ठीक है ज्यादा दोनों सही लग रहा है बट आई गेस काउ इज फिटिंग मच बेटर और अगर अगर अपन ग्रास डालते भी है मान के चलो तो ग्रास डालेंगे तो वन हो जाएगा फिर फोर फिर थ्री टू फाइव तो ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या ये तो वन टू है तो ये तो हो नहीं सकता ये तो टू थ्री है तो ये भी नहीं हो सकता ये तो फाइव फोर है तो ये भी नहीं हो सकता तो अल्टीमेटली यही होगा आंसर ठीक है क्रिस्टल क्लियर ओके एवरीबडी ये तो हो गया हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन आपके आईसीएसआई ने जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वो क्वेश्चन हम पहले प्रैक्टिस करेंगे ठीक है चलिए चलिए आशीष बोल रहा है काउ ग्रास खाएगी तभी ना मिल देगी चलिए 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 नाउ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं मैम की डोर लॉक रूम स्विच ऑन इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि सब आ जाए आपका पांच वर्ड्स है मैम की लॉक डोर रूम स्विच ऑन वेदिका बोल रही है वन थ्री टू फोर फाइव शिखा बोल रही है डी चलिए देखते हैं यहां बस क्या होगा मैम यहां बस क्या हो रहा है एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप चाबी लेके आते हो फिर चाबी को ताला में लगाते हो फिर उससे ताला खोलते हो फिर गेट खोलते हो और फिर रूम के अंदर जाते हो और फिर ऐसे ऐसे करके स्विच ऑन करते हो ठीक है कोई देखा है मिस्टर बीन मिस्टर बीन कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं मिस्टर बीन किसने किसने देखा है खुशी ने देखा है प्रियांशी ने भी देखा है वो क्या करते हैं अपने पास एक गन रखते हैं स्विच ऑफ नहीं करते हैं वो डायरेक्ट गन लेके ढिचकियां लाइट पे गई लाइट गुड नाइट ठीक है चलिए कुछ बोल रहे है, मेरा तो फेवरेट था बहुत लोगों ने देखा है मिस्टर बीन सब ने यस 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 बोल दिया चलिए बहुत फेमस था ये मिस्टर बीन का ये वाला सीन लाइट कैसे ऑफ करते हैं मिस्टर बीन चलिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे चाबी लेकर के आएंगे चाबी से आप ताला खोलेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा मैम की विच इज ऑप्शन नंबर वन उसके बाद आप ताला खोलेंगे मतलब लॉक तो लॉक हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री फिर उसके बाद आप डोर खोलेंगे तो डोर हो जाएगा मैम ऑप्शन नंबर टू फिर उसके बाद आप रूम खोलेंगे डोर के बाद रूम में जाएंगे रूम में जाएंगे तो फोर और लास्ट में आप स्विच ऑन करेंगे तो फाइव तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा मैम वन थ्री टू फोर फाइव सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन थ्री टू फोर फाइव ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर विद दिस वी आर डन विद ऑप्शन नंबर सी एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर चलिए सब कोई बोल रहे हैं क्रिस्टल क्लियर शिखा क्रिस्टल क्लियर चलिए कुछ क्रिस्टल क्लियर मूविंग टुवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू आपको इस वर्ड्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है एंड मैम द लॉजिकल सीक्वेंस इज वर्ड्स कौन कौन से हैं एक है वर्ड एक है पैराग्राफ एक है सेंटेंस एक है लेटर और एक है फ्रेज चलिए बताइए मानवीय जैन बोल रहे हैं फोर वन फाइव थ्री टू नैन भी सेम तनु सी एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर ओके कुछ आंसर दे रहे हैं कनक आंसर दे रहे हैं फोर वन फाइव थ्री टू यहाँ क्या होगा मैम सबसे पहले हमारे होते हैं लेटर्स लेटर्स मतलब अक्षर 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 लेटर तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर लेटर से बनता है वर्ड जैसे मेरे नाम में छह लेटर्स हैं आई एस एच आई के ए इंडिविजुअल लेटर्स हैं लेटर है, letters है, से बना मेरा नाम इशिका तो लेटर से क्या बना वर्ड तो फोर के बाद आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन और जब आप मल्टीपल वर्ड्स को जोड़ते हो तो उससे बनता है फ्रेज कैसे मैम फ्रेज मतलब जरूरी नहीं है कि एक पूरा सेंटेंस हो अ फ्रेज कैन बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच फॉर्म्स अ मीनिंगफुल व्हिच फॉर्म्स सम मीनिंग व्हिच गिव्स सम मीनिंग ठीक है तो इवन इफ एक पूरे सेंटेंस का एक छोटा सा फ्रेज हो सकता है जो एक कुछ ना कुछ जिससे हमें मीनिंग uh, निकल के आता है दैट इज नोन एज़ फ्रेज

तो करेक्ट आंसर इज मैम फोर वन फाइव थ्री टू तो यहाँ हो जाएगा हमारा फोर वन ये फोर वन थ्री फाइव टू है ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा फोर वन फाइव थ्री टू ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर

पुलिस कौन है पुलिस मामा नेक्स्ट पनिशमेंट जो आज आप लोग को मिलेगी होमवर्क नहीं करने की कौन सी पनिशमेंट गाना गाने की ठीक है सब कोई करेक्ट आंसर दे रहे हैं थ्री वन फोर फाइव टू कोई थ्री वन फोर फाइव टू बोल रहे हैं तो मैम एक बात बताओ मेरे को मेरे को बता दो एक बात सबसे पहले इन पाचों में से क्या होना चाहिए सबसे पहले इन पाचों में से क्या होना चाहिए मैम सबसे पहले इन पाचों में क्राइम होगा विच इज ऑप्शन नंबर थ्री तो सबसे पहले थ्री हो जाएगा जब कोई क्राइम होता है तो कौन आता है पुलिस मैन आता है अपनी बंदूक लेकर के तो उसके बाद आएगा पुलिस मैन ऐसे जांच पड़ताल करने आता है ना तो सेकेंड फर्स्ट हो जाएगा पुलिस मैन नेक्स्ट अब पुलिस आ गया केस दर्ज होगा केस दर्ज किस में होगा केस दर्ज होगा तो सुनवाई होगी सुनवाई कहां होगी सुनवाई होने के लिए हम कहाँ जाएंगे जज के पास जाएंगे कोर्ट में जाएंगे कोर्ट में जज आएगा तो देन ऑप्शन नंबर फोर और जज देगा अपना फाइनल जजमेंट कि मुजरिम है कि नहीं वो तो जज देगा अपना जजमेंट विच इज ऑप्शन नंबर फाइव और आखिरी में मुजरिम को सजा मिलेगी तो आखिरी में पनिशमेंट मिलेगी तो आखिरी वाला हो जाएगा आपका टू सो so, इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा मैम थ्री वन फोर फाइव टू विच इज ऑप्शन नंबर डी थ्री वन फोर फाइव क्लियर इसके, एवरीबडी देखो इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं लेकिन ना कई बार बच्चे ना ऑप्शन चूज करने में गड़बड़ी कर देते हैं जब दो ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं ना तो हम हड़बड़ी में गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं रियली सॉरी ओके हम हड़बड़ी में गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं बट हमें पूरा ऑप्शन पढ़ना चाहिए और पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर टिक करने चाहिए हड़बड़ी में दो ऑप्शन पढ़ के टिक मत करना जैसे ये भी थ्री वन फोर फाइव टू जैसा दिख रहा है तो हड़बड़ी में थ्री वन से चालू हो रहा है तो एक मत टिक करके आना करेक्ट आंसर पूरा पढ़ना चारों ऑप्शन पढ़ना उसके बाद टिक करना <laughs> मनप्रीति सिंह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओके एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर चलिए मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा मेंबर लोकैलिटी और कंट्री बताइए अच्छा ये तो पुराने क्वेश्चन का नहीं इस क्वेश्चन का बता रहे हो क्या थ्री वन टू फोर फाइव अच्छा ठीक है आकांक्षा सिंह मैम पहले मेंबर आएगा ओके वेरी गुड चलिए देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहां पर क्या होगा मैम सबसे पहले एक इंसान जो कि मेंबर होता है फैमिली का कम्युनिटी का तो एक इंडिविजुअल इंसान को हम बोलेंगे मेंबर आपस में इंसान लोग मिलके एक फैमिली बनाते हैं जैसे हम और आप मिलके एक लॉजिकल रीजनिंग की प्यारी सी छोटी सी फैमिली बना चुके हैं ठीक है तो हम सब बन गए हैं एक प्यारी सी लॉजिकल रीजनिंग की फैमिली तो आपस में मिलके हम सब कौन है मेंदर्स हैं। मेंदर्स मिलके फैमिली बनाते हैं और मल्टीपल फैमिलीज मिलके कम्युनिटी बनाते हैं कम्युनिटी मतलब एक प्रकार से सोसाइटी आप देखें जैसे जेठालाल हमारी कौन सी गोकुल धाम सोसाइटी गोकुल धाम सोसाइटी है ना वो पूरी कम्युनिटी है वो अलग अलग फैमिली जैसे जेठालाल की फैमिली तारक मेहता की फैमिली ट्राम की फैमिली जो कौन है उसका छाता ठीक है ये लोग सब मिलके फैमिली बनाते हैं तो आपस में फैमिली लोग मिलके सोसाइटी बनाते हैं इज विच इज विच कम्युनिटी के लो एक ही बात है ठीक है जेठालाल किसका किसका फेवरेट है जेठालाल बबीता जी से बबीता जी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब भाई क्लास में ध्यान दो होमवर्क भेज रहा है वो अभी होमवर्क तो मैंने दिया भी नहीं है अभी तक चलो आगे बढ़ो अब <laughs> मेंबर्स लोग मिलके फैमिली बनाते हैं फैमिली लोग मिलके मैम कम्युनिटी बनाते हैं अब कम्युनिटी मिलके आपस में लोकैलिटी बनाते हैं अब जैसे हमारी एक सोसाइटी हो गई अब एक लोकैलिटी मतलब समझ लो एक एरिया एक सिटी कह लो या फिर एक गांव, विलेज गांव, सिटी जो भी तो एक लोकैलिटी मतलब एक एरिया में मल्टीपल कम्युनिटीज रहती हैं तो कम्युनिटी मिलके एक लोकैलिटी बनाते हैं और अलग अलग लोकैलिटी मतलब अलग अलग एरिया जैसे अलग अलग सिटीज मिलके पूरी कंट्री बनाते हैं तो कम्युनिटी लोग मिलके लोकैलिटी बनाते हैं और लोकैलिटी लोग मिलकर कंट्री बनाते हैं तो इसका फर्स्ट हो जाएगा मैम मेंबर इज ऑप्शन नंबर थर्ड देन हो जाएगा फैमिली विच इज फर्स्ट देन कम्युनिटी विच इज सेकेंड देन लोकैलिटी विच इज फोर्थ एंड देन कंट्री विच इज फाइव सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर फोर सी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सबको क्लियर हो गया कोई नए नाम भी दिखाओ भाई आज थोड़े ज्यादा लोग आए हैं ऐसा कौन है जो चैटबॉक्स में आंसर नहीं देता है अभी तक उसका मैं नाम पकड़ पकड़ के बुलाऊंगी अब श्वेता आंसर नहीं देती है चैटबॉक्स में ठीक है बाकी सब देते हैं क्या निधि आंसर नहीं देती है चैटबॉक्स में चलो सी क्लियर सबको मूविंग टूवर्ड्स नंबर फाइव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा दे रहे हैं टू फोर वन फाइव थ्री नगेशन थ्री टू वन टू फोर वन फाइव थ्री हेमल टू फोर वन फाइव थ्री ओके वेरी गुड चलिए लेट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर दिया हुआ है पॉवर्टी पॉपुलेशन डेथ एम्प्लॉयमेंट सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट डिजीज तो मैम आपको देखना है कि सबसे पहले क्या हो रहा है और उस वजह से फिर क्या हो रहा है तो आपको एक सीक्वेंस में इसको डिसाइड करना है सबसे पहले क्या होता है तो अगर आप ध्यान दें मैम तो हमारी कंट्री में जो भी दिक्कत है अल्टीमेटली जो पॉवर्टी की दिक्कत है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है और अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन की वजह से क्योंकि हमारी कंट्री की आबादी ही इतनी ज़्यादा है अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो इकोनॉमिक्स में आप लोग ने पढ़े होगा कि हर चीज की हर प्रॉब्लम में इंडिया की मेन रीज़न है पॉपुलेशन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जैसे अभी कोविड में इतनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में कि इतने लोग एक साथ कोविड अफेक्टेड हो गए उतने हॉस्पिटल ही नहीं है उतने ऑक्सीजन ही नहीं है उतनी मेडिसिन ही नहीं है इसीलिए तो शॉर्टफॉल हुई तो मेन हमारे कंट्री की दिक्कत है पॉपुलेशन तो सबसे पहले हो जाएगा पॉपुलेशन विच इज ऑप्शन नंबर टू पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्यों क्योंकि लोग जितने ज्यादा रहते हैं तो उतने अनएम्प्लॉयड रहते हैं क्यों क्योंकि जॉब्स तो लिमिटेड है अब एक काम करने के लिए वैकेंसी तो उतनी है ज्यादा लोग होंगे तो क्या दो लोग काम करेंगे दो लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहे दो लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे हिंदुस्तान में कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं स्पेशली छोटे छोटे एरियाज में ठीक है तो पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है विच इज ऑप्शन नंबर फोर और क्योंकि लोग बेरोजगार रहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी की वजह से लोग गरीबी में जाते हैं और जो गरीबी होती है उसको हम बोलते हैं पोवर्टी पोवर्टी मीन्स गरीबी जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उन लोगों के पास खाने को दाल चावल तक नहीं रहता है ठीक है सो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है पोवर्टी पोवर्टी मतलब गरीबी तो उसके वजह से हो जाएगा one. और पोवर्टी हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर पाते हैं हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं रह पाते हम गंदगी में रहते हैं हमारे पास पैसे नहीं रहते हम गरीबी में रहते हैं कुछ बीमारी हो जाती है तो हमारे पास पैसे नहीं हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते पोवर्टी के वजह से इन दोनों में से पहले क्या होगा डिजीजेस बढ़ते हैं कई बीमार लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं इसीलिए डिजीज की वजह से इंडिया uh, का जो डेथ रेट है वो बढ़ रहा है क्यों क्योंकि अल्टीमेट रीज़न है कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है इसी वजह से इंडिया में जो डेथ रेट है जो पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो सर्वे किया हुआ डेथ रेट है वो बढ़ता है हमेशा बहुत ज़्यादा है कम्पेरेटिवली सो क्यों ज़्यादा है पॉपुलेशन की वजह से पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीबी बढ़ती है पॉवर्टी होती है और उस वजह से डिजीजेस फैलते हैं तो डेथ होती है ठीक है इंडिया में इतनी ज़्यादा डेथ क्यों हुई क्योंकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इसीलिए कोविड की वजह से इतनी डेथ हुई और लेकिन उतनी फैसिलिटीज नहीं होती मेडिकल फैसिलिटीज है ही नहीं जितनी जितनी पॉपुलेशन है लोगों को बेड बेड मिलना मतलब ऐसे बेड बेड तक नहीं मिल रहा था जब मार्च अप्रैल में सेकेंड वेव आया था अप्रैल में तब तो ऐसे गिरी से गिरी हालत हो गई थी कि लोगों को बेड एक एक बेड के लिए एक एक ऑक्सीजन के लिए लोग तरस गए थे तो ऐसा क्यों हुआ ये

ICSI आज का समय हो गया है तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं और हमने हमारा topic 9 कर लिया था, और टेन का हमने सात क्वेश्चन कर लिए आज फाइव क्वेश्चंस ICSI प्रैक्टिस क्वेश्चन के और दो क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल के अब इस चैप्टर के कुछ बोनस क्वेश्चन बचे हैं बोनस क्वेश्चन करने के बाद ये लड्डू चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट और मैम

टू वन होमवर्क टू होमवर्क थ्री होमवर्क फोर होमवर्क वन टू थ्री फोर होमवर्क क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर बाकी सब कर लोगे सारा कर लोगे क्या दे दूंगी मैं तो दे दूंगी पक्का कर लोगे ऐसा मत बोलना कि मैम हमारे ऊपर ज़ुल्म कर रही है मैम ऐसा मत बोलना 2 मैम ओनली क्वेश्चन ही आए ठीक है चलो फाइव आल्सो होमवर्क सिक्स आल्सो होमवर्क सेवन आल्सो होमवर्क पूरे बोनस क्वेश्चन होमवर्क जाओ ऐश करो सब कोई सॉल्व करना बोल बोल के होमवर्क दिलवाए हो अब तो सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 1 2 7 ऑफ बोनस प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क कल की क्लास में जो होमवर्क करके नहीं आया उसको मेरी तरफ से रिसीव होगा फ्लाइंग चप्पल ठीक है और कल की क्लास में हम बहुत थोड़ा तो तो कॉम्प्लिकेटेड हाँ कल की क्लास में हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बट मज़ा आएगा इसमें भी मज़ा आएगा आराम से समझ समझ के पढ़ेंगे टॉपिक नंबर इलेवन लॉजिकल वेन डायग्राम विद दिस वी आर एंडिंग आवर टूडेज लेक्चर सो टेक केयर ऑल ऑफ यू अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मे से बिल्कुल व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं ओके सो टेक केयर ऑल ऑफ यू बाय बाय